इमेजिन चाइल्ड हू इज इन प्ले स्कूल और नर्सरी क्लास अब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन करके दिखाइए ऑब्वियसली द चाइल्ड और द स्टूडेंट इज गोइंग टू गेट रियली कंफ्यूज एंड गोइंग टू गिव अप की मुझे चीज आती नहीं है सिखाई नहीं गई है एंड आई डोंट नो हाउ टू बिगिन विद इट कहने का मतलब ये है कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी एग्जाम है आपकी लाइफ में आपकी जो बेसिक अप्रोच है दैट हैज टू बिगिन विद द बेसिक टर्म्स एंड फ्रेजेस इफ यू आर अ लीगल एस्पिरेंट इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट एंड इफ यू हैव जस्ट बिगन योर जर्नी और इवन इफ यू आर इन द मिडल ऑफ योर जर्नी आपके लिए लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगता है बिकॉज इट इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू so the right approach is to begin with the basic terms and phrases always hello everyone this is your mentor angel and today we are going to cover some really important basic terms and phrases of hindu law the two terms hai, wo phrases jo aapko throughout your journey mein in the understanding of hindu law specifically legal reasoning may help karte

जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी लेजिस्लेशंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस कौन से एक्ट से कवर होते हैं द वेरी फर्स्ट इज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नाम से ही समझ में आता है एज़ फॉर एज़ ऑल द क्वेश्चंस परटेनिंग टू द कांसेप्ट ऑफ मैरिज इज कंसर्ड देशन ये स्टैट्यूट ये एक्ट जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट सक्सेशन से हम क्या समझते हैं इट डील्स विद ऑल द प्रपर्टी मैटर्स हिंदू फैमिली में प्रॉपर्टी मैटर्स का डिविजन किस तरीके से होगा और आगे की जनरेशन में कैसे वो प्रॉपर्टी पास ऑन होती है डिवाइड होती है शेयर कैसे हम डिवाइड करते हैं ऑल ऑफ दोप्ट आर कवर्ड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट नेक्स्ट इज द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अगेन इट शुड बी क्लियर फ्राम द नेम इट सेल्फ इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड देयर गार्जियनशिप यानि इंडिया में इफ अ पर्सन अ हिंदू पर्सन इज अ माइनर उनके क्या राइट्स हैं ड्यूटीज हैं हु इज गोइंग टू बी देर गार्जियन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम एंड ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वी कवर अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियशिप एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इज हिंदूप एंड है चाइल्ड गेट्स इन फैमिली यानी वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को छोड़ कर किसी और फैमिली में अडॉप्ट किया जाता है करवाया जाता है होता है फोस्टर होम होम का कॉन्सेप्ट क्या है अडोप्शन का प्रोसेस क्या रहेगा लीगैलिटी क्या रहेगी ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट ऑल्सो दिस एक्ट हैज टू बी रेड अलोंग विद द गाइडलाइंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर कारा

कौन सा लॉ गवर्न करता है कौन सा एक्ट ये बात हमें बताता है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 नेक्स्ट इज़ द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स विडोज की रीमैरिज पहले अलाउड नहीं थी इंडिया में सती का कॉन्सेप्ट भी बहुत टाइम तक प्रेवलेंट था आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में हमने काफ़ी बार पढ़ा है इट वॉज ओनली इन द ईयर 1956 और बहुत पुरानी बात नहीं है ये 1956 के बाद ही ये ऑप्शन जो है विडोज के पास अवेलेबल हुआ है दैट दे आर अलाउड टू री मैरी कौन सा एक्ट गेगा दिंदू विज एक्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्र थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में वी हैव नोटिस दैट आवर सोसाइटी लॉट और यहाँ पे हमें जरूरत महसूस हुई कि इंटरकास्ट इंटर रिलिजन मैरिजेस को भी गवर्न करने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक स्टैट्यूट अ स्पेसिफिक एक्ट और वहां पे हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट एंटर्स द पिक्चर अगेन वी हैव कवर्ड दूड वेरी वेल इन अनादर से अगेन अगर आपने वीडियो नहीं देखा है यू मस्ट डू सो बिकॉज इट गवर्नस ओल द मैरिजेस जहाँ पे वन पर्सन इज अंदू एंड द अदर इज नॉट या फिर हिंदूज में भी अगर दोनों ही व्यक्ति अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं क्या प्रोविजन रहेंगे जो उनकी मैरिज को गवर्न करते हैं दैट हैज बीन वेरी वेल एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर

sometimes they get stuck with the basic terms with the basic meaning of some phrases and of course the internet is flooded with a lot of information but there's also a lot of misinformation that's available there i don't want you to get confused because of that misinformation and that's why i have brought to you this very special session this very special video for you jahaham hindu loke basic terms ko cover karenge नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैट आर स्कूल ऑफ हिंदू लॉ देखिए हिंदू लॉ गन करने के लिए ये जो स्टैच्यूट हैं ये बहुत बाद में आए हैं हिंदू लॉ जो है अगर आप हिंदुइजम की बात करें इट इज नॉट अ रिलिजन हिंदुइजम इज अफ स्टाइल अगर आई क्लेम इफ आई एम क्लेमिंग दैट आई एम अ हिंदू इट डज नॉट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माई रिलिजन टली डज नॉट मीन दट आईन समी गोज टू दी मॉर्निंग में पूजा पाठ करती हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है हिंदुइजम इज अ वे ऑफ लाइफ इट्स अटाइल इट्स चॉइस तो वॉट वट इज दैट वन थिंग दैट डिफाइन्स कीन बी नोन एज अ हिंदू वहाँ पे वी हैव हाँ टू तो अंडरस्टैंड कि हिंदू लॉ की जो डेरिवेशन है ये सारी की सारी किसी स्टैट्यूट से नहीं आई है हमें कहाँ से पता लगता है कि हिंदुइज्म क्या है बेसिकली हमारी जो कंट्री है इन इंशियन टाइम्स वाज़ हिंदू राष्ट्र ओनली अब हिंदुइज्म का जन्म कहाँ से हुआ और रिलीजन किस तरीके से इवॉल्व हुआ तो बेसिकली जितने भी हमारे कस्टम्स हैं ट्रेडिशंस हैं उन्हीं की एक कंसोलिडेटेड फॉर्म को लेकर ये एक रिलिजन बना है और वहाँ से ही ये वे ऑफ लाइफ भी डेवलप हुआ है तो हिंदुज़म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे एंश इंडिया एंशंट इंडिया से ऑलरेडी चलते आ रहे हैं और उनका जो सोर्स है अगर हम हिंदुजम का सोर्स देखें कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी सालों साल से जितने भी हम ट्रेडिशंस फॉलो करते आ रहे हैं वहाँ से ही हिंदुज़्म का जन्म हुआ है एज अ रिलीजन एज अ लाइफ स्टाइल एज अ वे ऑफ लाइफ हम वहीं से इसको डिराइव करते हैं ना वेन वी टॉक अबाउट स्कूल ऑफ हिंदू वी आर नो टॉकिंग अबाउट सम फिजिकल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट्स नॉट वॉट इज मेंट बाय द वर्ड स्कूल्स स्कूल्स का मतलब है कि प्रिंसिपल क्या है थॉट कहाँ से इमर्ज हुआ है वट इज़ दैट स्कूल ऑफ थाट स्कूल ऑफ प्रिंसिपल कि हमने इसको डेवलप कहाँ से किया दैट इज वट इज मेंट बाय स्कूल ऑफ़ थाट तो स्कूल की जहां बात करें वी हैव टू मेजर स्कूल्स दैट गवर्न हिंदू लॉ द वेरी फर्स्ट इज मिताक्षरा स्कूल नाउ ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा आपको लॉ से हटकर इस चीज को देखना है समझना है और पढ़ना है मिताक्षरा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इट्स रनिंग कॉमेंटरी ऑफ द स्मृति रिटर्न बायनवल क्या अब ये जितने भी हमारे पास वेद्स हैं उपनिषद हैं उन्हीं की आगे हमारे पास श्रुतीस हैं स्मृतिज हैं बेसिकली रिटन कॉमेंट्रीज हैं और वहीं से हमने हिंदुजम को डिराइव किया है एग्जाम्पल के तौर पे इफ वी टॉक अबाउट मैरिज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अब मैरिज जो है किसी लेजिस्लेशन की देन नहीं है किसी एक्ट की देन नहीं है किसी स्टैट्यूट ने नहीं एक्सप्लेन किया नहीं डिफाइन किया कि मैरिज क्या है Basically, this concept has been uh, in vogue for ages. और वहां से ही हमने इस चीज को उठाया है तो ये जो जो है, यानी और की हमारे पास है वहीं से हमने ये कॉन्सेप्ट उठाए हैं की ऑलराइट इन एंशंट इंडिया इन दैदिक एज इंडिया में इस तरीके के मैरिजेस uh, थे या इस तरीके के रिलेशनशिप्स थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम तो ये वाला जो स्कूल है इट टॉक्स अबाउट स्मृति रनिंग कॉमेंट्रीज रनिंग कॉमेंट्री का मतलब है बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है बट ऑफकोर्स मिलती जुलती कॉमेंट्री है और वहीं से ये स्कूल जो है डिराइव हुआ है द स्कूल इज एप्लीकेबल इन द होल पार्ट ऑफ इंडिया इन वेस्ट बंगाल एंड असाम पूरे ही इंडिया में ये स्कूल जो है एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असाम मिताक्षराज अ वेरी वाइड जूरिस्ट्रिक्शन ऑफकोर्स क्योंकि सिर्फ दो स्टेट में इट इज नॉट एप्लीकेबल बाकी थ्रू आउट द कंट्री दिस स्कूल दिस प्रिंसिपल दिस थॉट होल्ड गुड एंड दैट्स वाई इट हैज वेरी वाइड जूरिस्ट्रिक्शन आई होप द मिताक्षरा स्कूल इज क्लियर टू यू नेक्स्ट इज दया भागा स्कूल ना दया भागा स्कूल प्रीडोमिनेटली प्रोवेल्ड इन असाम एंड वेस्ट बेंगॉल सिर्फ दो स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे मिताक्षरा इज नॉट वैलिड इट इज नॉट एप्लीकेबल और वहां पर कौन सा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो होता है दैट इज दया भागा स्कूल

क्स्ट मूविंग ऑन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हिंदू लॉ पढ़ते समय यही बात जहन में आती है कि ठीक है हिंदू लॉ मतलब ऐसा लॉ जो हिंदू को गवर्न करेगा कवर करेगा लेकिन हू इज अंदू लीगली स्पीकिंग हिंदू कौन है सपोज आई से भगवान में नहीं मानती हूँ सपोज विल आई स्टॉप बींग हिंदू ट आर द गवर्निंग प्रिंसिपल जो कवर करते हैं पहले यही बात डिफाइन करता है कि दिस एक्ट अपलाइज टू तो हिंदूज और उसके बाद हमारी डेफिनेशन शुरू हो जाती है टू एनी पर्सन हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म हिंदू बायिजन अब देखिए मैंने रिलीजन की बात की है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वे ऑफ लाइफ लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि एनी पर्सन अंदू बायिजन यानी जो रिलीजन से अपने आप को हिंदू मानता है या हिंदू है parents, grandparents, families हमेशा से हिंदू ही रही हैं, despite the fact that you are not going to the temple on a daily basis, that you that you are not uh, uh, getting yourself, uh, you know, whatever it is, baptism है या जो भी है, आप जनेू नहीं पहनते हो, anything at all, वो चीज define नहीं करती है, लेकिन अगर आपका religion हिंदू है, तो आप इस act under हिंदू हो नी ऑफ इम्स और डेवलपमेंट अब एनी ऑफ इम्स का क्या मतलब है, में बहुत सारे है। आप उसमें से किसी को भी अगर फॉलो कर रहे हो देन बाय वर्च्यू ऑफ दिस डेफिनेशन यू आर गोइंग टू बी अंदू इंक्लूडिंग अर्शवा और लिंगायत

शैवइज्म में बिलीव करते हैं या समबडी वांट्स टू से कि नहीं मैम हमारी कुल देवी जो है वो गायत्री माता है इवन देन यू विल कंटिन्यू टू बी अ हिंदू इट डज नॉट मैटर कि आपके सेक्ट को फॉलो करते हैं एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो हिंदुइज्म के हैं हिंदुइज्म के रिलीजन से रिलेट करते हैं बाय बाय वर्च्यू ऑफ दैट दैट वेरी डेफिनेशन इट यू विल कंटिन्यू बींग अ

लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ द डेफिनेशन एज गिवन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यू विल बी अ हिंदू यानी ये तीनों ही रिलीजन दे हैव बीन गवर्न अंडर द हिंदू लॉज नेक्स्ट इज टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड डोमिसाइल यानी कहां पे वो व्यक्ति रिजाइड करता है in the territories to which this act extends who is not a muslim this definition this part was inclusive in nature yani we are including buddhists sikhs and jains in our definition and this part is exclusive yani muslims are not a hindu christians are not a hindu

इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ट यानी इन रिलीजन्स के अंडर ऐसी कोई भी बात अगर है कि इस एक्ट के एबसेंस में ये लोग हिंदू होते तो सिर्फ उस सेक्ट को हम हिंदुइज्म में गवर्न करेंगे अदरवाइज मुस्लिम्स क्रिश्चियंस पारसीज ज्यूज दे आर नॉट अ हिंदू As far as this definition of Hindu is concerned under Hindu laws. But the like in inclusive part ki baat to, Sikhs, Buddhist, and Jain people, they are a Hindu under this definition. I hope this, this part is clear to you because it is one of the most important definitions ki who is a Hindu. Aage

लॉ यानी हम मैरिज के कॉन्सेप्ट की जहां बात करेंगे वहां पे सपिंदा की डेफिनेशन जरूर आती है सपिंदा का आप मीनिंग बेसिकली ये समझिए देखिए कभी भी अगर शादी की बात होती है घर परिवार में दे ऑलवेज टॉक अबाउट मैच मेकिंग या कुंडली मैच uh, करवाने का या गोत्र पूछा जाता ना व्हाट एग्जैक्टली इज गोत्र गोत्र इज कॉन्सेप्ट जहां पे आपकी लीनियज जो है वो हम ट्रेस डाउन करते हैं बेसिकली इफ यू लुक एट इट दिस वे अगर एक फैमिली ट्री बनाया जाए देर इज वन पर्सन ही गोट मैरिड टू लेट्स बी नाउ दे हैव चिल्ड्रन फोर चिल्ड्रन नो ऑफकोर्स दिस फैमिली ट्री इज एक्सपैंडिंग राइट

गोत्र जो है वो आपकी डिसेंडेंसी यानी आप कहाँ से आ रहे हैं वो ट्रेस बैक करता है दैट इज वट इज यूजुअली ऐसा मानते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती सो वट आर वी टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट सपिंदा रिलेशनशिप यानी इफ यू बिलोंग टू द सेम डिसेंडेंट्स या फिर जो आपके एंसेस्टर्स थे वो कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेस बैक करो और वो सेम थे वो कॉमन थे इन दैट इन दैट केस यू के नॉट गेट मैरिड टू दैट पर्सन हिंदू लॉ ये बहुत क्लियरली बहुत स्पेसिफिकली कहता है कि मैरिज बिटवीन सपिंदाज इज क्लियरली प्रोहिबिटेड यानी हु आर ऑफ हिज और हर रिलेशंस और सेम फैमिली अब फैमिली में सिर्फ हम क्लोज रिलेटिव यानी भाई बहन कजन्स को नहीं गिन रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनसेस्ट्रल फैमिली ट्री और वहाँ पे जो है सपिंदा रिलेशन में आपस में शादी जो है प्रोहिबिटेड है लेस्ट्रेशन के थ्रू समझो तो देर आर टू पार्टीज ए एंड बी वेर ए इज द हजबेंड एंड बी इज द वाइफ हु हैज ब्लड रिलेशन और क्लोज रिलेशन टू तो फिर आपकी मैरिज नहीं हो सकती बेसिकली अगर मोटा मोटी टर्म्स में समझना चाहो सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन टू इस्लाम का The second marriage marriage of of a a Hindu husband after his conversion to Islam is a void marriage in terms of Section 494 IPC. अब ऐसा सिर्फ उसके लिए अगर आप अपना रिलीजन चेंज करते हैं फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम लॉ ये कहता है कि आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी काम कर रहे हो यानी आपका

I won't tell you the names. Lakin, this has happened already where a very popular Bollywood star, he was already married and he wanted to get married to another uh, Bollywood celebrity, another actress. And just for the sake of doing so, he was ready to, he was willing to uh, get himself converted to Islam. Uh, and of course, the first wife then divorced him that if ja it's better to let go of you. तो डी हो चुका है लेकिन इंडियन लॉ जो है सरलाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 95 की ये लैंडमार्क जजमेंट है तो आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते नेक्स्ट इज वॉट इज सक्सेन सक्सेशन देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इट्स वन ऑफ द मेजर लेजिस्लेशन ऑफ हिंदू लॉ लेकिन अगेन सक्सेशन क्या है डेफिनेशन क्या है द लॉ एंड प्रोसीजर्स अंडर विच बेनिफिशियरीज़ बिकम एन टू प्रॉपर्टी अंडर ए टेस्टेटर्स विल और एन इंटेस्टेसी अब देखिए बहुत ज्यादा वर्ड्स uh, आ गए हैं कंफ्यूज मत होइएगा आई एल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज कि वो कौन सा लॉ है जिसके अंडर बेनिफिशरी यानी ऑफ़ कोर्स जिसको बेनिफिट मिलना है जिसको प्रॉपर्टी मिलनी है बेनिफिशरीज बिकम एंटाइटल टू प्रॉपर्टी अंडर टेस्टेटर्स विल यानी जिसकी वसीहत है और

fight amongst themselves in order to clarify that situation in order to make that process easier for the heirs who have been left behind legal representatives this act has come into being and it talks about the beneficiaries who are going to be the beneficiaries what part is going to get allotted to each one of them and how is it going to get done this talks about uh, succession yani

probate court, an intestate estate can also be one in which the will presented to the court was deemed to be invalid. an invalid will, the state, yani court of law, he decide karega that who all are going to be the heirs, the legal representatives, or the beneficiaries, what part is going to get allotted to each one of those and how will that division continue. this is what is meant by succession. नेक्स्ट इज हु को पार्सनर अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टर्म है कि को पार्सनर हम किस को कहते हैं अंडर द हिंदू सक्सेशन लॉ द टर्म को पार्सनर इज यूज टू डिनोट असन यूज अ लीगल राइट अ लीगल राइट इन हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय बर्थ यानी जन्म से ही उसके पास ये जन्म सिद्ध अधिकार है इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसी फैमिली जिसका बंटवारा नहीं हुआ है अब बंटवारे से मतलब ऑफ़ कोर्स प्रॉपर्टी का है वी आर टॉकिंग अबाउट द डिविजन ऑफ द प्रॉपर्टी ऐसी फैमिली को हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं As per the Hindu Succession Act, 1956, any individual who is born in an Hindu undivided family becomes a coparcener by birth. यानी coparcener कौन है? हिस्सेदार, जिसके हिस्से में वो property आनी ही आनी है, और ये बात कौन कहता है? Just by the virtue of being born in that family, he has attained that right. Coparcener का मतलब क्या हुआ? हिस्सेदार प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हाँ जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज हु इज अर्ता अब कर्ता की डेफिनेशन याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा एक आपको गुरु मंत्र बता देती हूँ जब भी कोई बात होती है फैमिली को लेकर यूजुअली इन ली लैंग्वेज भी से कि भाई हमारे घर के कर्ता धर्ता तो दादाजी है तो कर्ता कौन है हेड ऑफ द

अब देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है दैट द फादर इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड दादाजी इज मेरली द हेड ऑफ द फैमिली लेकिन हिंदू लॉ में जब बात होती है तो कर्ता कौन है दादाजी ही होंगे नाउ दिस इज अगेन एन एग्जांपल इट कुड बी एनी पर्सन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूं तो एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली प्रैक्टिकली हो सकता है द फादर इज टेकिंग केयर लेकिन लीगली स्पीकिंग कर्ता जो है वो

बर सो लॉन्ग एज हीजेडिंग यानी बीमार है, है, है तबियत खराब रहती है खटिया पकड़ के पड़े हैं इवन देन ही कंटिन्यूज टू बी द करता ऑफ द हिंदू फैमिली बाय हिज डेथ करता शिप विन टू द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर अब एक क्वेश्चन आता है कैन अ फीमेल बी अ करता इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मोस्ट मेल मेंबर अ जूनियर कैन नॉट एक्ट एज करता बट इफ ऑल को पार्टनर्स अग्री यानी प्रॉपर्टी की जो सारे हिस्सेदार हैं अगर वो एक असमंजस बनाते हैं आपस में अग्री करते हैं अ जूनियर ऑल्सो कैन बिकम अ करता राइट सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू एज टू हु इज अ करता नाउ द लास्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एज फार एज हिंदू लॉ इज कंसर्न इज वट इज एलमनी ये टर्म आपने बहुत बार ऑलरेडी सुनी है मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस मीनिंग ऑल्सो एलमनी क्या है देखिए डिवोर्स के बाद वट एवर अमाउंट द हस्बैंड इज पेंग टू द वाइफ एंड एज फार एज द रिसेंट जजमेंट आर कंसर्न्ड नाउ इट इज पॉसिबल बोथ वेज यानी द वाइफ कैन ऑल्सो पे द मेंटेनेंस अमाउंट टू द Husband, if she is working, she is capable of uh, maintaining her husband, and on the other hand, the husband is not able to do so. It works both ways now. The alimony is that amount, it is of two types: ya to aap lump sum amount pay uh, uh, during uh, the divorce. या फिर आपको महीने के महीने एक जो भत्ता है वो आपको प्रोवाइड करना है टू योर स्पाउस डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू अर्न डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कोर्ट डिसाइड्स नाउ की प्रोविजंस की अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 टॉक अबाउट द प्रोविजंस रिलेटेड टू अलमनी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव ऑफ सी आर पी सी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रोविजन रिलेटेड टू मेंटेनेंस टाइप ऑफ एलिमिनी देखते हैं एक बार गिवन एट द टाइम ऑफ

एंड क्लैट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए डाउट्स सजेशन अफकोर्स आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं एंड आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट दैट शेयरिंग इज कैरिंग सो शेयर दिस वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब